तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस Redmi Y3 के इंडियन रिटेल यूनिट की। हे गाइस, दिस इज दीपांशु एंड यू आर वाचिंग अनबॉक्स टेक्नोलॉजी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं, देखते हैं बॉक्स के ऊपर हमें क्या क्या लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको Redmi MI की ब्रांडिंग मिल जाती है, इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ मिल जाता है और Redmi Y3 लिखा हुआ मिल जाता है विद 32 मेगापिक्सल कैमरा, और यहाँ पे भी आपको Redmi Y3 की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर इसके बारे में लिखा हुआ है कहाँ ये मतलब मैन्युफैक्चर हुआ, इसकी प्राइसिंग और बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको Redmi Y3 की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड पीछे आपको और स्पेसिफिकेशन दिख जाती है इसकी, जैसे मेड इन इंडिया है, बोल्ड रेड कलर में है, 4GB 64GB वाला वेरियंट है एंड 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर मिल जाता है, 6.26 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है एंड 4000 एमएच की बैटरी मिल जाती है। तो अभी हम चलते हैं, सीधा करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते हैं एंड यस, बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे हमें एक और बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर हमें यस जो मेन चीज़ें होती हैं वही मिलेंगी, जैसे आपको सिम इंजेक्टर टूल मिल जाता है एंड थोड़े पेपर बॉक्स मिल जाते हैं जो कि है एक यूज़र मैनुअल गाइड एंड वारंटी सर्टिफिकेट वगैरह, और यहाँ पे आपको TPU केस मिल जाता है ब्लैक कलर में, जैसे ही जैसा नॉर्मल टिपिकल स्टाइल होता है Xiaomi जैसे प्रोवाइड करता है सारे Redmi के फ़ोन्स के साथ, वैसे ही आपको ये मिलता है। और ये रहा आपका मेन यूनिट जो कि है Redmi Y3, इसको रखते हैं अभी साइड में और बॉक्स कॉन्टेंट चेक कर लेते हैं और क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको जो लास्ट चीज़ मिलती है वो है डाटा केबल या फिर चार्जिंग केबल कह लो आप इसको, जो कि है USB टू माइक्रो USB वाली सी टाइप। अभी एक्सपेक्ट तो मत करना है 10,000 के अराउंड, तो इन फ्यूचर शायद आ जाए। और यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है जिसकी आउटपुट है 5V 2A की, और ये जो चार्जर है ये नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है। तो अभी इन सबको रखता हूँ मैं साइड में और आते हैं अपने फ़ोन के ऊपर जो कि है Redmi Y3। तो फ़ोन का हम सबसे पहले फिज़िकल ओवरव्यू ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार ये बोल्ड रेड कलर में, एक और कलर दो कलर और है इसके। तो पीछे की साइड आपको 12+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा मिल जाते हैं, LED फ्लैश मिल जाती है, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और यहाँ पे लिखा है 32 मेगापिक्सल सेल्फी एंड AI डुअल कैमरा। AI डुअल कैमरा है, AI तो यार मतलब घुस चुका है हर जगह, और यहाँ पे Redmi by Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे की साइड आपको माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर ग्रिल एंड माइक मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन एंड ऑफ बटन एंड वॉल्यूम लॉकर कीज मिल जाती है। ऊपर की साइड आपको 3.5 mm जैक, सेकेंडरी माइक और एक आया ब्लास्टर मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है जिसमें आप एक SD कार्ड और दो नैनो सिम लगा सकते हो। और गाइज यार ये जो चीज़ है डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट, यार ये वैसे आजकल बजट फोन्स में ही दिख रहा है, फ्लैगशिप फ़ोन में तो दिखता ही नहीं है ये चीज़, तो यार बढ़िया है। और यहाँ पे आपको डॉट नॉच मिल जाती है 32 मेगापिक्सल के साथ, और इसकी जो स्पीकर ग्रिल है जो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यार, देखो जहाँ से आप कॉलिंग वगैरह सुनते हो वो बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा स्टाइल भी उसका बढ़िया लगा। यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है नीचे चिन पे, जो कि यार मुझे बहुत ही अलग ही इसका प्लेसमेंट लगा, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल स्टाइल में डाल दी तो थे LED नोटिफिकेशन लाइट। तो अभी चलते हैं हम सेटिंग्स में और देखते हैं हमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है। एंड अबाउट फोन्स में हेयर इट इज़ एंड्रॉयड 9 मिल जाता है, एंड्रॉयड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स, और एंड्रॉयड क्यू अभी एक्सपेक्ट मत करना किसी भी फ़ोन में आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज एंड्रॉयड क्यू जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट में ही है, बीटा टेस्टिंग मोड चल रहे हैं और अभी तक उसका नाम भी प्रॉपरली सजेस्ट नहीं हुआ है, मतलब क्या रखें इसका नाम। तो अभी चलते हैं कैमरा में और देखते हैं कैमरा ऐप में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेयर कैमरा में
फ्लैश मोड मिल जाता है, मतलब फ्लैश मिल जाता है, HDR मिल जाता है, AI कैमरा मोड मिल जाता है, फिल्टर्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे भी बाकी सारी चीज़ें मिल जाती है। इसमें आपको गूगल लेंस का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे आपको ऑल मोड्स मिल जाते हैं, जैसे वीडियो मोड हो गई, शॉर्ट वीडियो, फोटो, पैनोरामा, पोर्ट्रेट एंड और भी स्टफ, प्रो मोड हो गया, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। प्रो मोड यार सही है यार, प्रो मोड दे देते हैं, पैनोरामा भी है, पोर्ट्रेट भी इसका ठीक ठाक ही है। आपको कैमरा रिव्यू में बता दूंगा, और फ्रंट कैमरे में भी आपको वही सेम चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 32 मेगापिक्सल का मोड है, मतलब कि आप इसको ऑन करके 32 मेगापिक्सल वाली सेल्फीज ले सकते हो। और इसमें आपको ब्यूटी मोड तो मिलता ही है, जिससे आप गोरा गोरे हो सकते हो। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वही सारे मोड जो पहले वाले थे, पैनोरामा, पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट मोड फ्रंट फ्रंट में भी है, तो ये बढ़िया बात है। और अभी चलते हैं हम एक और, हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमें स्लो मोशन मिलता है या नहीं मिलता, और मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। एंड यस, हियर इट इज, स्लो मोशन में मिल जाता है और टाइम लैप्स मोड में मिल जाता है, तो बढ़िया बात है। और अभी चलते हैं हम इसकी सेटिंग्स में और देखते हैं इसके अंदर इसकी सिक्योरिटीज़ कैसी हैं। तो अभी हम फिंगरप्रिंट में आ चुके हैं, फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यार, फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, इसका टैप करते ही अनलॉक हो जाता है। ये देखो, टैप किया एंड अनलॉक, टैप करते ही अनलॉक हो जाता है, ये देखो। तो अभी चलते हैं हम इसके फेस आईडी की तरफ, मतलब फेस अनलॉक की तरफ। और ये जो है आपका 3D फेस आईडी नहीं है, नॉर्मल फेस आईडी है, तो मुझे ये इतना इतना सिक्योर नहीं लगता। तो बाकी अभी मैंने इसको सेट कर लिया, देखते कितना फास्ट है ये। ये मैंने अपना फेस दिखाया और 1 सेकेंड का आपको डिले मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सेकेंड का लॉक स्क्रीन का डिले दिखती है, आपको लॉक स्क्रीन दिखती है और तब जाके ये अनलॉक होता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 1 सेकेंड का आपको डिले मिलता है इसके अंदर। ये देखो, यहाँ पे अभी मैं फेस दिखाऊंगा, 1 सेकंड का डिले है, फिर जाके अनलॉक होता है। फिंगरप्रिंट फास्ट है और फेस आईडी थोड़ा सा, तो ये आपको 2 वेरियंट्स में मिल जाते हैं, 3GB 32GB एंड 4GB 64GB। 3 32 मिलता है 9999 का, 4 64 मिलता है 11999 का। तो आप परचेज कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो, और ऑफलाइन का मैंने एक शॉप का लिंक दिया है, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। यार मैं भी उसी शॉप से परचेज़ करता हूँ, और यार दिल्ली में है ये, रमेश नगर के अंदर। आपको सारे गूगल मैप्स की लोकेशन एंड उसके कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके भी एक बार चेकआउट कर सकते हो ऑफलाइन। मैं भी वहीं से परचेज़ करता हूँ, एंड यार आपको वहाँ पर एक अच्छी डील भी मिल सकती है। तो यार एक बार चेकआउट जरूर करना है यार ऑफलाइन भी। और कुछ लोग होते हैं जिनको ऑफलाइन परचेज़ करना अच्छा लगता है, ऑनलाइन नहीं वो प्रेफर करते, तो ऑफलाइन भी आप चेक कर सकते हो। और यार ऐसी अगर आपको बढ़िया वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना भूलना, मेरे चैनल को, आपको लोगो दिख रहा होगा मेरे चैनल का स्क्रीन पे, उसको क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आगे फॉलो कर दो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे इन तीनों के, और मेरी रिसेंट वीडियो देख लो आपको स्क्रीन पर दिख रहेगी। सो हे दीपांशु साइनिंग ऑफ, थैंक यू।